ओके सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एटॉमिक फिजिक्स के जो मॉडल्स थे उनकी हमने टाइमलाइंस देखी थी, राइट? तो किस तरीके से, मतलब जो चीजें हैं बेसिकली चल रही थी. बट अ फ्यू ऑफ यू गाइज हैड अ प्रॉब्लम दैट आई डिड नॉट टेक अ नेम ऑफ एनी ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट ऑफ द एंशियंट टाइम्स. देर वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली इन इंडिया एज वेल, बट द प्रॉब्लम इज दैट एक्चुअल में ऐसा है कि वो जो साइंटिस्ट हैं अपने इंडिया के, मैंने इंडिया के एक साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं लिया जो कि बहुत ही पॉपुलर भी है अपने इंडिया में, उनका नाम है महा ऋषि कनाड. सो महर्षि कनाड जो थे बेसिकली ये भी इंडियन साइंटिस्ट हैं और ये भी एटॉमिक फिजिसिस्ट हैं. एटॉमिक फिजिसिस्ट ये बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे. इनका एक फिलॉसफी का एक अलग स्कूल है जो फिलॉसफी में पढ़ा भी जाता है. फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र जैसे कहते हैं, दर्शन शास्त्र. तो फिलॉसफी में वैशेषिका स्कूल को ये बिलोंग करते थे. वैशेषिका मतलब इनकी थिंकिंग उसी स्कूल की है, वैशेषिका. अब ये सब चीजें क्या हैं, हम हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं तो ये जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन महर्षि कर्नाड बेसिकली इन्होंने भी ऐसा कहा कि दुनिया की सारी चीजें कुछ बारीक बारीक कण से बनी हुई हैं, कुछ बारीक बारीक कण से बनी हुई हैं, ऐसा इन्होंने कहा. तो बारीक कण से बने हैं हम, ये कहना उस जमाने में बहुत बड़ी बात है. आज से 2000 साल से पहले जो भी लोग थे उनके लिए सोच पाना भी बहुत बड़ी चीज है. अरे कोई कैसे सोचता होगा यार उस जमाने में कि हम कोई बारीक बारीक कण से बने हुए हैं, दुनिया की हर चीज बारीक बारीक पार्टिकल से बनी है. सो दैट्स वाई इज अ वेरी ग्रेट पर्सन. ये नॉलेज उनको थी, ठीक है? तो इन्होंने भी एटम के बारे में बात की है. मैंने डेलिबरेटली इनको लीव आउट किया था लास्ट टाइम इसलिए बिकॉज इनका जो टाइम स्पैन है इट इज नॉट येट कंफर्म्ड. अभी तक पता नहीं है मैं एग्जैक्टली ये कब एग्जिस्ट करते थे, एग्जैक्ट हमें नहीं पता अभी तक. इनकी कुछ राइटिंग्स हैं जो आज तक थोड़ी बहुत सर्वाइव कर गई हैं, जिससे हमें जानकारी मिली कि ऐसे भी एक महर्षि अपने इंडिया में थे जो कि एटॉमिक फिजिसिस्ट थे. तो इंडियन एटॉमिक फिजिक्स के एंशियंट फादर कहला सकते हैं ये, ठीक है? एंशियंट फादर कहला सकते हैं. ऐसा कहा जाता है कि ये एग्जिस्ट करते थे बेसिकली कुछ 600 से 200 बीसी के बीच में. पता नहीं है कि कब, 250 बीसी भी हो सकता है, 350 बीसी हो सकता है, 400 बीसी हो सकता है, 500 बीसी हो सकता है. इनका लाइफ का जो स्पैन है वो कौन से बीसी में है हमें पता नहीं एग्जैक्टली, बट जहां तक हिस्टोरियंस को सबूत मिले हैं वो इस एज में कहीं लाई करते हैं. तो मुझे इनके बारे में श्योरिटी नहीं थी इसलिए मैंने इनका नाम पहले नहीं लिया था. बट दिस मेड अ फ्यू पीपल अनहैप्पी, कुछ लोग नाखुश हो गए कि भाई इंडियन लोग भी इतने ग्रेट ग्रेट हैं, उन्होंने भी इतनी ग्रेट डिस्कवरीज की हैं, तो उनके बारे में भी कुछ बताइए. सो लिसन, ये तो एक महर्षि कनाड है, ये एंशियंट इंडियन फादर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स इन्हें कह सकते हैं, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग पहुंच चुके थे बेसिकली कहां पर, रूदरफोर्ड की थियोरी पे. रूदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, याद आ रहा है? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम दिया था. फिर उसको चैलेंज किया था, किसने चैलेंज किया था, नील्स बोर ने. उसका स्टूडेंट था ना नील्स बोर, ही वाज बोर्न इन कोपेनहेगन. वेयर इज कोपेनहेगन बाय द वे? कोपेनहेगन कहां है? इट्स इन डेनमार्क. डेनमार्क, तो डेनमार्क इज अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री, वेरी ब्यूटिफुल. सो डेनमार्क जो है वहां पे वो छोटी मोटी सी कंट्री है बेचारी, तो बहुत प्यारी सी मासूम सी कंट्री है डेनमार्क. सो यहां पे कोपेनहेगन में रहते थे नील्स बोर और बेसिकली रूदरफोर्ड के अंडर में पढ़ने के लिए आए थे. तो नील्स बोर ने चैलेंज किया रूदरफोर्ड को उनकी 1911 की थ्योरी पे, और 1913 में उन्होंने खुद की थ्योरी दी. रूदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी 1911 में, 1911 में, और नील्स बोर ने थ्योरी दी थी 1913 में, जिसका नाम था प्लानिटरी मॉडल. प्लानिटरी मॉडल. सो लिसन, तो रूदरफोर्ड का मॉडल कौन सा था? रूदरफोर्ड का भी प्लैनेटरी मॉडल था, लेकिन उसको नाम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इसलिए दिया गया बिकॉज पहली बार किसी ने न्यूक्लियस के बारे में बात की थी. न्यूक्लियस के बारे में तो रूदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, उसने ही हाइपोथेसाइज किया था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब प्लीज जस्ट चेक वेदर द रिकॉर्डिंग इज प्रॉपर्ली ऑन और नॉट, मतलब वो ऊपर नंबर्स चल रहे हैं ना, नंबर्स आर रनिंग, राइट? ओके. सो लिसन, तो प्लैनेटरी मॉडल जो है, प्लैनेटरी मॉडल ये नील्स बोर ने क्यों कहा, क्योंकि न्यूक्लियस बीच में बैठा हुआ है, न्यूक्लियस बीच में बैठा हुआ है,
सन की तरह, जैसे सन सोलर सिस्टम में अपने सौर मंडल में बैठा हुआ है और उसके आसपास जो ग्रह हैं, ग्रह मतलब प्लैनेट्स, वो उसके चक्कर काट रहे हैं। तो बेसिकली वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो चक्कर काट रहे न्यूक्लियस के। तो ये प्लैनेटरी मॉडल दिखाई दे रहा है, सोलर सिस्टम से दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम प्लैनेटरी मॉडल रखा गया। समझ में आ रही बात है? नाउ लिसन, बोर को, नील्स बोर को क्या प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या खराबी है, बहुत ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड का मॉडल ध्यान से सुनिए। रदरफोर्ड कहता है कि सेंटर में एक छोटा हैवी पॉजिटिव न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड क्या कहता है, सेंटर में, एटम के सेंटर में एक बहुत ही हैवी, छोटा और पॉजिटिव न्यूक्लियस है और उसके आसपास घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, उसके आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। अभी नील्स बोर ने क्या कहा सुनिए, नील्स बोर ने कहा कि सर इसमें दो गलतियां, इसमें दो गलतियां, दो गलती सुनिए ध्यान से तभी समझ पाएंगे। पहली गलती ये कि अगर सच में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। मैक्सवेल ने, कौन मैक्सवेल, क्रिकेटर नहीं, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। सो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेट, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा तो बेसिकली वो एनर्जी एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में एमिट करेगा, और वो जो एनर्जी है एमिट कर देगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वो जब स्पीड कम होगी तो वो अंदर की तरफ न्यूक्लियस के पास गिरने लगेगा। समझ पा रहे हैं? आप लोग घबराइए मत कैमरे से, आप लोग बिंदास सवाल पूछिए, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछिए बल्कि और अच्छी बात है। सो बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए कि जो आपका बेसिकली रदरफोर्ड है उसने बोला कि न्यूक्लियस है और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चक्कर काट रहे हैं। बोर ने कहा कि सर आपके मॉडल में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल अगर चक्कर काटेगा, घूमेगा, गोल घूमेगा, तो वो एनर्जी बाहर फेंकेगा, एनर्जी बाहर फेंकेगा। क्यों क्यों बाहर फेंकेगा? क्योंकि मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में साबित किया है कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एनर्जी फेंकता है। अब एनर्जी फेंकेगा तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो उसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा। जब उसका ऑर्बिट छोटा होगा तो वैसा स्पाइरल इनवर्ड करते 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 आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम ही कोलैप्स हो गया। आप बोलेंगे सर एक सेकंड, आपकी बात समझ में नहीं आई, आपने कहा चार्ज पार्टिकल एनर्जी फेंकेगा कब, जब वो ऑसिलेट करेगा, यहां तो ऑसिलेशन नहीं दिख रहा है, या फिर एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेशन यहां पर भी नहीं दिख रहा है। क्यों क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है ना, एक ही स्पीड से घूम रहा है ना। अरे प्लैनेट्स इन जनरल एलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर ना हो, सर्कुलर ऑर्बिट में हो, तो उनकी स्पीड बदलेगी नहीं, उनकी स्पीड एक ही रहेगी। तो एक ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक्सेलरेशन कहां है? आप लोग भूल रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर पहला, रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें आपको सिखाया गया था कि सर्क्यूलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, भले वो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप बोलेंगे सर यूनिफॉर्म मोशन है फिर एक्सेलरेशन कैसा? सुनिए, एक्सेलरेशन का जो रिश्ता है, एक्सेलरेशन का जो ताल्लुक है, स्पीड से नहीं है। एक्सेलरेशन का ताल्लुक स्पीड से नहीं है, वेलोसिटी से है, और वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेलोसिटी बदल रही है। सर्क्यूलर मोशन में वेलोसिटी बदल रही है, ध्यान दीजिए। सर्क्यूलर मोशन अगर हो रहा है, पार्टिकल अगर यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी कहां दिख रही है? यहां दिख रही है। पार्टिकल अगर यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी यहां दिख रही है। पार्टिकल अगर यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी यहां दिख रही है। पार्टिकल यहां पे तो उसकी वेलोसिटी यहां दिख रही है। तो डायरेक्शन बदले चाहे वैल्यू बदले, वेलोसिटी बदल रही है। और वेलोसिटी बदल रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? एक्सेलरेशन है, ये 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, मैं यहां पे साबित नहीं करते बैठूंगा कि एक्सेलरेशन हो रहा है, बट एक्सेलरेशन हो रहा है, ये 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को जान लेना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सर्क्यूलर मोशन में वेलोसिटी का भले वैल्यू ना बदले, स्पीड पार्टिकल की सेम रहे, लेकिन बेसिकली डायरेक्शन तो बदल रहा है ना। तो डायरेक्शन बदला मतलब वेलोसिटी बदल गई। एक वेक्टर अगर इधर देख रहा है तो वो अलग वेक्टर है, भले उसकी वैल्यू मान लो 20 न्यूटन है,
लेकिन अगर वो बच्चा ऐसे दिखने लगा तो वो 20 न्यूटन और ये 20 न्यूटन सेम नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, वरना फिर बना के फायदा क्या हुआ डायरेक्शंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो वेक्टर्स जो हमने बनाए हैं उसके पीछे रीजन है। तो एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, तो स्पीड तो भले सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, और जब डायरेक्शन अलग अलग है वेलोसिटी अलग अलग है तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज वॉट? एक्सेलरेशन इज वॉट? एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट द स्पीड। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो बदल रही है, भले वो मैग्नीट्यूड में नहीं बदल रही, डायरेक्शन में बदल रही है, डायरेक्शन में उसकी दिशा चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट बदल रहा है। तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है बट पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, और पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो एनर्जी फेंकेगा, तो एनर्जी जब वो रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में तो वो अंदर आता जाएगा घूमते घूमते स्पाइरल इनवर्ड मोशन परफॉर्म करके, फाइनली न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो होता नहीं है, एटम्स तो हैं, मॉलिक्यूल्स उनसे ही बनते हैं, उनसे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनसे ही सेल ऑर्गेनेलीज बनते हैं, आपकी गोल्जी बॉडीज, डीएनए डबल हेलिक्स, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सब उन्हीं से तो बन रहा है ना, एटम से ही बना है ना, तो एटम तो है, तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, ये झूठ है, ये मॉडल गलत है, ऐसा नील्स बोर ने आर्ग्यूमेंट दिया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो बेसिकली पहला आर्ग्यूमेंट क्या है नील्स बोर का? नील्स बोर कह रहा है रदरफोर्ड को कि सर आपके मॉडल में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम फिर स्टेबल कैसे है, अगर चक्कर काट रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में अगर रहेगा तो मैक्सवेल ने कहा है कि एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो घूम फिर के अंदर वो आके गिर जाएगा न्यूक्लियस में। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक चीज, अगर इस वक्त आपने पकड़ के, मान लो कि आसमान से हाथ आया और उसने ऐसा अर्थ को पकड़ा और थोड़ा स्लो कर दिया, अर्थ अभी स्पीड में है कुछ, तो अर्थ वैसे बहुत खतरनाक स्पीड में है, अर्थ पागलों की तरह भाग रहे, अर्थ की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 30 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन, फ्रॉम सीएसटी टू थाने, सीएसटी से निकला थाने पहुंच गया एक सेकेंड में, इतना तेज भागता है। अगर अर्थ एक ट्रेन होता तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होता, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो अर्थ है ना, सीएसटी से निकलेगा एक सेकंड में थाने पहुंच जाएगा, जस्ट इमेजिन। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, 30 किलोमीटर एक सेकंड में, इतना फास्ट भागता है अर्थ। तो अर्थ को अगर आपने पकड़ के स्लो कर दिया तो आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद या मे बी एक साल के बाद अर्थ सन में गिर जाएगा। अर्थ यहां पर है, अर्थ यहां पर है बेसिकली, क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिट के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो उसके पास है, लेकिन अगर आपने उसकी स्पीड कम कर दी तो जो ग्रेविटेशनल पुल है ये इसे अंदर की तरफ बुलाते रहेगा, अंदर की तरफ बुलाएगा, और जब ये अंदर जाता होगा, अंदर की तरफ जाता होगा तो बेसिकली ये फास्टर 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 घूम के डायरेक्टली सन में गिर जाएगा, डायरेक्टली स्ट्रेट डाउन नहीं जाएगा। स्ट्रेट डाउन जाने के लिए, सन में डायरेक्टली जाने के लिए आपको अर्थ को पूरा रुकाना पड़ेगा, अर्थ को पूरा रुका दीजिए और छोड़ दीजिए, फिर अर्थ सन में जाके गिर जाएगा, लेकिन उसको भी टाइम लगेगा बिकॉज डिस्टेंस बहुत लंबा है। यहां से सन तक का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर, सो इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो इट माइट टेक 1 or 2 ईयर्स मे बी, बट एनीवे गिरेगा, स्लो कर दिया तो भी गिरेगा स्पाइरल इनवर्ड होके, क्योंकि एनर्जी कम हो गई है, पहले एनर्जी सफिशियंट थी, अप्रोप्रिएट थी, ऑप्टिमम थी, तो बराबर एक ऑर्बिट में घूम रहा था, बात समझ में आई? तो अगर इसने एनर्जी लूज किया तो ये स्पाइरल इनवर्ड मोशन परफॉर्म करके क्या होगा उसके साथ? गिर जाएगा। किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एटम मर जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन हम मरे क्या? नहीं, एटम जिंदा है, इसका मतलब, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जिंदा इन द सेंस एटम जिंदा नहीं है, एटम हैज नो लाइफ, एटम हैज नो कॉन्शियसनेस, एटम हैज नो कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस अराइज होती है एक हायर लेवल पे, मल्टी सेलुलर स्टेज पर, जो भी चीज सेल के नीचे है, बायोलॉजिकल सेल के नीचे, उसका लाइफ नहीं है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ,
सेल के नीचे गए उसमें किसी की कोई जिंदगी नहीं है, राइबोसोम इज डेड, माइटोकॉन्ड्रिया इज डेड, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, ऑन देयर ओन दे आर डेड. ये सब मिलते हैं, दे वर्क इन यूनिजन, दे वर्क एज अ वन पर्टिकुलर थिंग. ये सब मिलजुल के एक जो बनाते हैं ना उसमें जिंदगी है, उसमें लाइफ है. आई होप ये बात आप सभी के समझ में आ रही है. सो लिसन, मर गया इन द सेंस कोलैप्स हो गया, एटम जो है कोलैप्स हो गया, पहला ये आर्ग्यूमेंट है. अब दूसरा आर्ग्यूमेंट बोर का सुनिए, बोर का दूसरा आर्ग्यूमेंट कि सर चलिए मान लेते हैं, बोर कह रहे हैं नील मतलब रदरफोर्ड से कि सर मान लेते हैं कि आपने जो कहा कि भाई एटम मतलब इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, चलो मान लिया कि गोल घूम रहा है, मान लिया कि गोल घूम रहा है. पहला पॉइंट तो ये था कि आप स्टेबिलिटी समझा नहीं पाए. चलो मान लेते हैं कि कुछ एटम्स मर रहे हैं और कुछ बन रहे होंगे बाय सम प्रोसेस. वैसे भी हम खाना वाना खाते ही है ना, खाना क्या है, खाना क्या है, एटम्स है. अरे आप जो खाना खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटसेट्रा. नाइट्रोजन भी है प्रोटीन्स में, CHON कॉम्बिनेशन. प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड्स है ना. प्रोटीन्स आर मेड ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड्स, अमाइनो भी बोलते हैं कुछ लोग. सो अमाइनो एसिड्स, सो अमाइनो एसिड्स बेसिकली किससे बने हैं, CHON के कॉम्बिनेशन से. वैसे ही फैट्स लिपिड्स से बने, लिपिड्स बेसिकली और मतलब लिपिड्स एंड फैट्स ऐसा दो अलग अलग चीज भी बोलते हैं कभी कभार, बट इन जनरल दोनों सेम चीज हैं इन जनरल लूजली. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें एटम से ही बनी है ना भाई, ये सारी चीजें एटम से बनी है कि नहीं बनी है. आई होप की बातें समझ में आ रही आपकी. तो हम खाना खा रहे हैं तो हमारे अंदर एटम जा रहे हैं ना, वो हमारी बॉडी का हिस्सा ही बन रहा है ना. एटम हमारे अंदर जा रहा है, हमारी बॉडी का हिस्सा बन रहा है. तो कुछ एटम्स को मरने दो ना, कुछ एटम्स मर रहे हैं, कुछ एटम्स जुड़ रहे हैं, कुछ एटम्स दुनिया में पैदा हो रहे हैं, सीड में से बड़ा प्लांट बन रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है कि एटम बन रहे हैं, बनने के बाद कुछ मरते भी होंगे, वो प्रोसेस मान लो चल रहा है, एक डायनेमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, कुछ मर रहे हैं कुछ जिंदा है, मान लेते हैं सब कुछ सही है, रदरफोर्ड का कहना सही है. बट दूसरी गलती क्या है, मर भी रहे हैं तो मरने से भी प्रॉब्लम है नील्स बोर को. इनका मरने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि लिसन, जब ये मर रहे हैं तो मैंने क्या कहा, ये फास्ट होते जाएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल आप कह सकते हो उसको मॉडर्न टाइम्स का फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हो. तो बेसिकली जो मैक्सवेल है उसने कहा कि भाई अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी से कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल घूमता है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट वो बाहर फेंकेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वो बाहर फेंकेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बाहर आएगी. तो पहले जब घूमा स्लो तब जो पल्स निकल रही थी वो थी कम फ्रीक्वेंसी की, जब अंदर आते जाओगे तो वो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी. अच्छा, फ्रीक्वेंसीज बाहर आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस बाहर आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर आ रही हैं, तो उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं ना. अरे जैसे लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है लाइट, उसको भी तो डिटेक्ट करते हो ना, उसकी भी वेवलेंथ निकालते हो ना, किसमें, अरे इंस्ट्रूमेंट रहता है ना स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें प्रिज्म रख देते हो, प्रिज्म पे लाइट गिराते हो, वो लाइट खुल जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो स्पेक्ट्रोमीटर से, याद आ रहा है. तो वैसे ही इसमें से जो फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी, भले वो दिखने वाली ना हो, लाइट वाली ना हो, कोई भी हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, भले वो दिखाई ना दे, बट जो भी निकलेगा उसे डिटेक्ट कर सकते हैं ना, स्टडी कर सकते हैं ना. तो स्टडी किया लोगों ने, खास करके केमिस्ट्री वालों का भला हो, बहुत पढ़ाई की बिचारों ने. फिजिसिस्ट जब ध्यान नहीं दे रहे थे ना एटम पे, फिजिसिस्ट लोग तब केमिस्ट्री वाले ही पढ़ाई कर रहे थे दिन रात, तो उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, हर फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, हर फ्रीक्वेंसी का. इसको ऐसे समझो कि मान लो कि ना एटम बन गया, अब वो डीके मोड में आ चुका है, एटम है और अब वो डीके मोड में है. तो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना शुरू किया और एनर्जी बाहर फेंकना शुरू की. तो जब एनर्जी बाहर फेंकेगा तो कुछ तो उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगा. मान लेते हैं उसने फेंका है रेड लाइट, जस्ट अज्यूम कीजिए कि रेड लाइट बाहर फेंका. जब अंदर आएगा घूम के तो रेड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ऑरेंज की है. तो ऑरेंज लाइट भी बाहर आना चाहिए, और अंदर आए तो येलो, और अंदर आए तो ग्रीन, और अंदर आए तो ब्लू, फिर इंडिगो, वायलेट, ऐसा सब कलर्स दिखना चाहिए. बट किसी भी गैस में
केमिस्ट्री वालों ने, केमिस्ट लोगों ने, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट लोगों ने कभी सारे कलर्स नहीं देखे। हमने लिए ऐसे वैक्यूम ट्यूब्स, उसमें कैथोड एनोड डाला, गैसेस डाली प्योर फॉर्म में, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन डाल दिया, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन डाल दिया, उसमें से डिस्चार्ज पास किया, वो गैसेस एक्साइट हुई, डीऑक्साइड हुई, कुछ तो हुआ उनके अंदर, पता नहीं एक्साइट डीऑक्साइड क्या होता है हमें अभी नहीं मालूम है, बट कुछ तो हुआ और अंदर से लाइट निकली, वो लाइट निकली, उसको प्रिज्म में देखा, प्रिज्म में कुछ ही कलर्स दिखाई दिए, कुछ ही कलर्स, बाकी कलर्स एब्सेंट थे। ऐसा कैसे? ये तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, सेपरेट स्पेक्ट्रम हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए कंटिन्यूस, हर चीज दिखाई देना चाहिए, हर चीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विबग्योर दिखाई देगा, अरे कुछ भी दिखाई देगा, लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम दिख रही है तो 5001 भी दिखना चाहिए, 5002 भी दिखना चाहिए, या मैं कह सकता हूं 4999 भी दिखना चाहिए, 4998 भी दिखना चाहिए, क्योंकि यहां पे कंटिन्यूअसली स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ कलर्स दिख रहे हैं बस। जैसे हाइड्रोजन में चार ही कलर्स दिखाई दिए, हाइड्रोजन की गैस में चार कलर्स दिखाई दिए बस, और भी सेपरेट उनके बीच में गैप है। अरे आप लोगों ने स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ईयर बीएससी में किया स्पेक्ट्रोमीटर, उसके अंदर प्रिज्म में देखा तो कलर्स कितने दूर दूर दिखाई देते हैं ना, दूर दूर दिखते हैं कि नहीं, अरे कलर्स के बीच में गैप रहता है कि नहीं रहता है, यहां पे रेड दिख गया, फिर अचानक में आपको डायरेक्टली यहां पे ऑरेंज दिख गया, फिर यहां पे येलो दिख गया, फिर वायलेट कहीं दूर दिखता है, देखा है स्पेक्ट्रोमीटर आप लोगों ने, हाँ क्या ना याद आ रहा है कि नहीं, तो बीच में गैप्स क्यों है, बीच के कलर्स का है? आप बोलेंगे दुनिया में सर सात ही कलर है, ऐसा नहीं है, किसने बोला सात कलर दुनिया में, दुनिया में बिलियन कलर्स हैं, बिलियन बल्कि बिलियन नहीं इनफाइनाइट कलर्स हैं। अगर 5000 एंगस्ट्रॉम मान लो येलो कलर है, तो 5000 एक भी येलो है, अलग तरीके का येलो, 5002 एंगस्ट्रॉम भी अलग तरीके का येलो। अरे आप नीली जीन्स खरीदने जाते हो, वो जीन्स में क्या सब नीली सेम दिखती है क्या? अलग अलग शेड्स होते हैं ना, तो दुनिया में बिलियंस ऑफ कलर्स है, बल्कि इनफाइनाइट है, बिलियन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके मोबाइल फोन में अभी बिलियन कलर्स आ चुके हैं। जब मैंने आज से 10 साल पहले मोबाइल लिया था, 10 साल नहीं 8 साल पहले समझ लो, मेरा मोबाइल मतलब मैंने और भी पहले लिया था, मैं उस मॉडल की बात कर रहा हूं जिसमें सबसे पहली बार बहुत अच्छी स्क्रीन आई थी, तो उसमें 16 मिलियन कलर्स थे और सबके मोबाइल पे लिख के आता था डब्बे पे 16 मिलियन कलर्स। एमोलेड स्क्रीन आई थी, अभी सुपर एमोलेड आ चुकी है, उसमें लिख के आता है 1 बिलियन कलर्स, उतने कलर्स वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, मोबाइल की स्क्रीन डेवलप कर सकती है, इसलिए इतना ज्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट क्लैरिटी और दुनिया भर की चीजें नजर आती हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर कलर्स नजर आते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, बट कलर्स इनफाइनाइट हैं, तो साथ ही कलर्स नहीं है, लेकिन आपको साथ ही दिख रहे हैं, वो साथ नहीं एक्चुअली, उस साथ आपके गलतफहमी है, वो एक एक लाइन नहीं है, दे आर बैंड्स बेसिकली। तो वो कैसा ना, एक बैंड है, मान लो 5000 से लेकर 5200 एंगस्ट्रॉम तक का बैंड है, 6000 से 6100 तक का बैंड है, समथिंग लाइक दैट। अब वो सब क्या है क्या नहीं है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट ठीक है, एनीवे कहने का मतलब है कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिख रहा है यार, तुमने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देखा है, तुमने कंटिन्यूस नहीं देखा कि यहां से मतलब पूरा भरा हुआ है कलर्स से, बट रियलिटी तो वही है, तो ये गलत है, फिर ये मॉडल गलत है। ये मॉडल में दो खराबी है, पहली खराबी स्टेबल नहीं है, एटम को मर जाना चाहिए, चलो मरने दिया, अबे तो सही से तो मरो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाओ ना, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिख रहा है? तो ये दो बातों से रदरफोर्ड के मॉडल को बेसिकली लोगों ने कहा कि भाई रदरफोर्ड जी आप रेस्ट कीजिए, अब आपका टाइम खत्म, आपके स्टूडेंट का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो नील्स बोर को कहा गया कि भाई कुछ बनाओ, मॉडल बताओ, तो नील्स बोर ने मॉडल बनाया। नील्स बोर ने क्या किया मालूम है? कोई नया मॉडल नहीं बनाया, ये प्लैनेटरी मॉडल न्यूक्लियर मॉडल से अलग नहीं है, सेम है, वही है, लेकिन उसने जो बातें कही है ना स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए वो अलग है। उसने एक्सप्लेन किया कैसे कैसे हो रहा है, उसने भी यही बोला कि इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम रहे हैं, तो लोगों ने बोला अरे भाई ये क्या दोगलापन है, सब दोगलापन है ये, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? उस जमाने में भी लोग अश्नीर ग्रोवर जैसे हुआ करते थे, पता है ना अश्नीर ग्रोवर आजकल बहुत चल रहा है शार्क टैंक इंडिया, मीम्स भी काफी बन रहे, ये सब दोगलापन है। एनीवे, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सभी लोग सुनिए। बोर ने भी यही बोला सेम बात, तो लोगों ने बोला भाई फिर तूने गलत क्यों साबित किया अपने सर को, जब तू भी यही बोल रहा है नील्स बोर भैया, जब आप भी यही कह रहे हैं, इफ यू आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम रहे हैं, तो फिर आपके और उसके मॉडल में फर्क क्या है? नील्स बोर ने बोला है फर्क, मैं बताऊंगा वो फर्क क्या है। तो उसने नील्स बोर ने तीन पोस्टुलेट्स दिए,
बहुत ही ध्यान से सुनिए, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए उसने तीन बातें कही जिन्हें हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। अब हम बोलेंगे सर ये पोस्टुलेट बोले तो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पोस्टुलेट, पोस्टुलेट क्या चीज है आखिर। पोस्टुलेट ये ऐसी बातें हैं जो कि कही जाती हैं विदाउट एनी प्रूफ, देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रूफ, देयर इज नो डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन नहीं किया गया, इसका कोई थ्योरेटिकल सबूत नहीं है। अरे तो भाई क्यों माने फिर ऐसी बातों को क्यों माने, क्योंकि ये बातें आपको जो एक्सपेरिमेंट में नजर आ रहा है ना उससे मैच कर रही है। अब बोले सर वही तो सबूत हो गया ना, सबूत नहीं हुआ वो, अभी जस्ट कुछ तो दिख रहा है एक्सपेरिमेंट में, और वो चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपने कुछ कह दिया, फिर आपने वैसे ही एक्सपेरिमेंट किसी और चीज में परफॉर्म किया और रिजल्ट सिमिलर आया जो कि इस बात से मैच कर रहा है अगेन, तो ये बात यकीन करने लायक हो चुकी है कि ये जो एक रूल बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कुछ रूल बनाइए, आप कहिए कि जब भी थोड़ा आसमान काला होता है बारिश होती है, आपने ऐसा स्टेटमेंट बना दिया, आपने सिर्फ एक ही बार जिंदगी में देखा, आपने एक बार जिंदगी में देखा कि आसमान काला हुआ बारिश हो गई, अब आपने इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया ये पोस्टुलेट हो गया क्योंकि ऐसा हो रहा है, सबको दिख रहा है। अच्छा अगर अगर 10 में से कम 8 बार ये बात सही नहीं है तो आपकी बात को सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक आध बार ठीक है, एक आध गलती ओके 10-20% की गलती चलेगा, एक आध बार आसमान काला हुआ लेकिन बारिश नहीं हुई चलेगा, लेकिन अगर 10 एक्सपेरिमेंट में 10 बार किया गया और 50 बार काला हो रहा है, 50 बार आसमान काला नहीं हो रहा है, बारिश हो रही नहीं हो रही है, तो आपकी थ्योरी को मतलब आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इसने जो पोस्टुलेट दिए उससे आप ऑलमोस्ट सही प्रेडिक्शन कर पा रहे थे सारी चीजों का, तो इसलिए इसकी बातों को पे यकीन किया गया, पोस्टुलेट वो चीजें हैं। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस और पोस्टुलेट में फर्क ही क्या रहा, ये तो आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, सच हुई तो हुई नहीं हुई तो नहीं हुई, वैसी वाली बात हो गई। हाइपोथेसिस और पोस्टुलेट में फर्क है, हाइपोथेसिस ये होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट में भी देखा नहीं है, कुछ नहीं देखा है, आपने सिर्फ एक कहानी बना ली, आपको ऐसा लगता है कि ये सच होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है इसलिए आपने बोल दिया। अब एक्सपेरिमेंट वाले बाद में चेक करें 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 5 साल के बाद, या 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ऐसा लगता है और आपने बोल दिया, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस हो गया, ऐसा दिख भी नहीं रहा आपको कहीं, ऐसा आपको कहीं दिख भी नहीं रहा, कोई एक्सपेरिमेंट में दिख नहीं रहा। तो अगर आप बिना एक्सपेरिमेंटल सबूत की अगर कोई बातें बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट में भी नहीं दिख रहा है, तो वो हाइपोथेसिस है, आपको पता नहीं कि सच है कि नहीं, बट आपको ऐसा लगता है कि सच है। अच्छा आपको लगता क्यों है कि सच है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है दुनिया में, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई है, बट ये बहुत बार सही साबित होता है। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, वैसे डी ब्रोगली गलत प्रोनाउंसिएशन है, जब हम लोग डी ब्रोगली लिखते हैं ना ये प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं है, इट इज डी ब्रॉय, इट्स डी ब्रॉय, सो डी ब्रॉय, डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस, इसने जो हाइपोथेसिस दिया था ये महज हाइपोथेसिस बन के नहीं रह गया, ये पूरा थ्योरी में डेवलप हो गया बाद में। डेविसन जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट है, डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर, इन दोनों ने इसके हाइपोथेसिस को सही साबित किया था, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था उसके लिए। तो हर हाइपोथेसिस झूठ हो ऐसा नहीं है, हाइपोथेसिस जो साइंटिस्ट देते हैं बहुत सोच समझ के देते हैं, हालांकि उसका ना कोई थ्योरेटिकल सबूत है ना कोई बेसिकली मतलब एक्सपेरिमेंटल सबूत है, हाँ थ्योरी बना देते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा बहुत थ्योरी बना देते हैं, मैथ्स क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज फिजिक्स में बिना मैथ्स बिना एक्सपेरिमेंट के आपकी बात पर यकीन कौन करेगा, फिजिक्स की जबान है भाई मैथ्स, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। तो इसने थ्योरी बनाया मतलब वो हाइपोथेसिस है स्टार्टिंग में, बट सबूत मिल गए तो वो कंफर्म एक थ्योरी बन चुकी है, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, समझ में आ रहा है। अच्छा ये फिजिक्स में हम लोग थ्योरी 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 वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं यार, जबकि तो फैक्ट है एटॉमिक थ्योरी कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी है, अबे तो फैक्ट है ना, इसको थ्योरी क्यों बोलते हो तुम लोग, हर चीज को साइंस में हम थ्योरी क्यों बोलते हैं, एवोल्यूशन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, हर चीज की थ्योरी, जैसे कि पेड़ पौधों में खाना और पानी ऊपर कैसे जाता है एक एक ट्विग तक अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, ये बायोलॉजी में आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है, 100% कोई समझ नहीं पाया इस चीज को, कि पेड़ पौधे में रूट्स से खाना और पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ता कैसे है, एक एक ब्रांच एक एक ट्विग एक एक लीफ लीफ की एक एक वेन में कैसे पहुंचता है,
आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बट ये भी एक थियोरी है. हम फैक्ट्स क्यों नहीं बोल रहे कोई चीज को, किसी चीज को फैक्ट क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि साइंस में देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रोवाइजेशन, चीजों को बेहतर बनाने का स्कोप हमेशा रहता है. फैक्ट बोल दिया वो अल्टीमेट लकीर हो गई, लक्ष्मण रेखा, बस खत्म, इसका कुछ नहीं है. गलत. साइंस में हमेशा चीजें सुधरती हैं, जमाने के हिसाब से और प्रिसाइज होती हैं. हम लोग जिस मोड़ पर इस वक्त खड़े हैं, हम लोग इतने प्रिसाइज हो चुके हैं कि कभी कभार ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा और क्या प्रिसाइज होंगे. बट हमेशा एक ऐसी चीज मिल जाती है नई, जिसको फिर हमारी पुरानी थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, और फिर हमें लगता है नहीं यार अभी तो बहुत कुछ ढूंढना बाकी है. अब जानते हैं कि कितनी जबरदस्त लेवल पे हम जा चुके हैं, कितना प्रिसाइज हो चुके हैं हम लोग, फिजिक्स कितना आगे बढ़ चुके हैं, जानते हैं फिजिक्स कितना आगे बढ़ चुका है, जानते हो वन सेकंड किसे कहते हैं? वन सेकंड किसे कहते हैं? ऑल्दो आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक राइट नाउ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज बिकॉज दीज आर इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स. तुम लोगों को समझना होगा फिजिक्स किस लेवल पे जा चुका है. वन सेकंड किसे कहते हैं? टिक ऑफ अ क्लॉक, इज दैट वन सेकंड? नो, दैट्स नॉट हाउ वी डिफाइन इट, दैट्स हाउ अ कॉमन मैन डिफाइन्स इट, दैट्स हाउ अ लेमैन डिफाइन्स इट. वी डोंट डिफाइन इट लाइक दैट. हम लोग उसको ऐसे परिभाषित नहीं करते हैं, हम उसकी परिभाषा ऐसे नहीं देते हैं. वन सेकंड जानते हो क्या है? 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीशियम 133 एटम इज कॉल्ड एज वन सेकेंड. आई रिपीट अगेन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 vibrations of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of cesium-133 atom is called as 1 second. तो आप समझ सकते हैं कि physics कितना precise हो चुका है. 1 second define करने के लिए इतने बड़े बड़े numbers, इतने बड़े बड़े sentences की का use किया जा रहा है. ये आप लोगों को डराने के लिए नहीं है, आप लोग घबरा जाए इसलिए नहीं है. ये मेरा ये बताने का इस वक्त ये मकसद था कि हम लोग बहुत ही प्रिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिजिक्स बहुत ही एडवांस हो रहा है. फिजिक्स इज कॉल्ड एज एन एग्जैक्ट साइंस. हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू जानने में हमेशा उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं. भौतिक शास्त्र को हम उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जहां पे हमें हर चीज का एग्जैक्ट मीनिंग पता हो, एग्जैक्ट वर्जन पता हो. हम जानना चाहते हैं भूकंप एग्जैक्टली कैसे आता है, कितनी फ्रीक्वेंसी का आता है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए. हम जानना चाहते हैं कि बारिश को कैसे कंट्रोल किया जाए. हम जानना चाहते हैं कि बेसिकली जो बिजली कड़क रही है इससे कैसे बचा जाए, इसमें कितने वोल्ट्स हैं, कितने एम्पियर्स हैं, हालांकि सब कैलकुलेट हो चुका है, बट इसका और डिटेल लेवल, इसे कैसे बचा जाए, बल्कि जब बिजली गिरी तो उसका उससे लोग डरे नहीं, लोगों को अफेक्ट ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, बल्कि उसको हम अपने घर की बिजली, अपने घर की चक्की, अपने घर का मिक्सर चलाने के काम में ले ले. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो फिजिक्स यही चीज परस्यू कर रहा है. सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली. तो पोस्टुलेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ तो एक्सपेरिमेंट में दिखा, उसको देख के आपने कुछ बातें कही, और वो बातें 3, 4, 5 एक्सपेरिमेंट में सही साबित हो रही है. तो इसलिए उस पोस्टुलेट को आप रख रहे हैं, बाहर नहीं निकाल दे रहे, धक्का मार के हटा नहीं दे रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आप उसको डस्टबिन में नहीं डाल रहे हैं, आप उसको बातें को समझ रहे हैं. दैट्स कॉल्ड एज अ पोस्टुलेट. आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं. आ जाइए, आ जाइए, संभाल के जरा जाना अंदर, ठीक है? आपने पॉज किए? ओके, फाइन. सो डोंट बी लेट फॉर द लेक्चर्स. व्हाट इज द यूज इफ यू आर कमिंग आफ्टर हाफ अ लेक्चर? लाइट क्या करूं, ऑन करूं कि ऑफ करूं? सब तो ऑन ही है. ठीक है, सब ऑन कर दूं? ओके, फाइन. ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली. तो पोस्टुलेट और हाइपोथेसिस में क्या फर्क है? कि हाइपोथेसिस जो होता है वो अपनी मर्जी से आपने दिया, थोड़ा बहुत उसके साथ मैथ्स दे दिया सपोर्ट के लिए. पोस्टुलेट वो होता है कि जिसको अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ तो देखा, कुछ चीजें वैसे दुनिया में हो रही हैं, और आपने उसके लिए एक स्टेटमेंट बना दिया, दैट्स अ पोस्टुलेट. तो नील्स बोर ने 3 पोस्टुलेट्स दिए. आइए उनको समझने की हम कोशिश करते हैं कि नील्स बोर के आखिर वो क्या पोस्टुलेट्स थे. ठीक है, बट आई डोंट थिंक दैट द टाइम विल परमिट अस टू डू सो. राइट, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, सो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग अहेड, सो वी विल हैव टू स्टॉप हियर.
सो यहां तक आप लोगों के साथ सफर बड़ा सुहाना रहा। सो बाकी अगली जो बातें नील्स बोर की 3 पॉस्टुलेट्स, उसको हम देखेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है? तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।